हमारे बाइबल वॉरियर्स के सभी कंटेस्टेंट्स को उनका परिचय कराना। हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। आइए हम इनके परिचय करने के बाद हम स्वागत करते हैं नए अगले चार कंटेस्टेंट्स का। बाइबल वॉरियर्स के कंटेस्टेंट्स का परिचय अभी भी जारी है। आइए हम अगले कंटेस्टेंट्स का परिचय करते हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम विश्ना गमार। विश्ना गमार, हाँ। डरे हुए हो? नहीं नहीं। ओके, यहाँ आके कैसे लगते? अच्छा। ओके, विश्ना क्या करते हैं? पढ़ाई। पढ़ाई करती हो? हाँ। आप कौन से क्लास में पढ़ाई करती हो? दसवीं। दसवीं में? हाँ। ओके, घर पे रहती है कि हॉस्टल में रहती है? हॉस्टल में। हॉस्टल में, कौन से हॉस्टल में? इसने सदन आदिवासी कन्या छात्रावास। सदस्य आदिवासी कल्याण छात्रावास। आपका पैरिश का नाम नहीं बताया आपने? पैरिश ईशगढ़ पैरिश। ईशगढ़ पैरिश जाबुआ डायसिस, हाँ। है ना। आइए हम देखते हैं विश्ना गमार जो जाबुआ डायसिस के ईशगढ़ पैरिश के है। वेलकम टू द वीडियो प्रोफाइल ऑफ विश्ना गामर। विश्ना गामोर झाबुआ धर्म प्रांत के ईशगढ़ पल्ली से बाइबल वॉरियर्स के मंच पर आने वाली अगली योद्धा विश्ना। बाइबल जानने और अध्ययन करने की उत्सुकता इन्हें इस कंपटीशन तक ले आई है। विश्ना गमार इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड शी हैज बीन हियर इन द स्कूल एंड द बोर्डिंग सिंस 4 years। She is good in athletics, good in sports, takes interest in her studies, and now she is boosted up perhaps to participate in your Ishwani program. And we wish, and all of us, all the best to her for her forthcoming competition. ईसाई सिद्धांतों और मूल्यों पर अड़िग इस युवा को प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है। यह प्रार्थना के प्रति इनकी लगन है कि ये कई किलोमीटर की यात्रा करके प्रार्थना के लिए समय पर चर्च पहुंचती हैं, और इनका रिकॉर्ड है कि ये कभी प्रार्थना में लेट नहीं हुआ करती। धर्म शिक्षा कक्षाओं में होशियार, संरक्षण करने वाले ईश्वर पर विश्वास करने वाली जुझारू छात्रा को अपने पल्ली पुरोहित का प्रोत्साहन प्राप्त है। प्रश्नों के बाणों को प्रार्थना और विश्वास के रथ पर सवार होकर सामना करने आ रही हैं। स्वागत करिए विश्ना का। विश्ना गामर का वीडियो प्रोफाइल हमने देखा। मूविंग ऑन टू अनदर कंटेस्टेंट। आपका नाम? मेरा नाम आशीष कटारा है। आशीष कटारा जी। आशीष कटारा क्या करते हैं? 11th कॉमर्स पढ़ाई स्टडी कर। 11th की पढ़ाई करते हैं। आप कौन से पैरिश के हैं? जाबुआ पैरिश। जाबुआ पैरिश के हैं। ओके, जाबुआ डायसिस के, जाबुआ पैरिश के हैं। ओके, जाबुआ पैरिश के पैरिश पे इसका नाम क्या है? फादर पीटर बारिया। अच्छा, फादर पीटर बारिया। नहीं, फादर प्रताप बारिया। पैरिश में जाते हैं रोज? जी, हर संडे में जाते हैं। यस। ये शो में देख के फादर को डर लगेगा, यार मेरा नाम सही नहीं बोला है ना। कोई बात नहीं। ओके, यस। चर्च में आप एक्टिव रहते हैं? यस। पढ़ाई के अलावा आप क्या क्या करते हैं? म्यूजिक। म्यूजिक करते हो जी? ओके, कौन सी म्यूजिक? हारमोनियम प्ले। हारमोनियम प्ले करते हो? अच्छा, खुद आपके पास हारमोनियम है? यस। घर पे? यस। ऑलराइट। ओके, आशीष आप क्या बनना चाहते हैं? म्यूजिशियन बनना। म्यूजिशियन बनना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड। रोज बाइबल पढ़ते होंगे? यस। बाइबल वॉरियर्स के लिए तैयार है? यस। कॉम्पिटिशन, टफ कॉम्पिटिशन होने वाले हैं? यस। यस, आइए हम देखते हैं आशीष कटारिया का वीडियो प्रोफाइल जो जाबुआ डायसिस के जाबुआ पैरिश से है। आशीष कटारा जाबुआ धर्म प्रांत से बाइबल वॉरियर्स के जंग के इस मैदान में पूरी ताकत से भिड़ने को तैयार हैं हमारे अगले योद्धा आशीष। कैथोलिक डायसिस जाबुआ के जाबुआ कैथेड्रल पैरिश से आशीष कटारा का चयन उज्जैन के ईशवाणी टेलीविजन में आयोजित होने वाले बाइबल वॉरियर्स कार्यक्रम के लिए हुआ है। मुझे खुशी है
उन्हें बधाई देने के लिए और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वे इस कार्यक्रम में जीत हासिल करें। वे हमारी इस पल्ली में अपने स्तर पर जो कुछ उनसे हो सकता है हमें हमेशा मदद करते हैं, और साथ ही साथ उनका जो संगीत और म्यूजिक में ज्ञान है वह हमारे क्वायर में हमें मदद करते हैं गीतों के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए। आज मुझे खुशी है कि इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आशीष, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बचपन से ही इन्हें बाइबल पढ़ने और स्मरण करने के लिए माता पिता का पूरा प्रोत्साहन प्राप्त है, और साथ ही उन्होंने इन्हें बाइबल वॉरियर्स में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। हम डेली पूरा परिवार के साथ में सुबह शाम को प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद बाइबल का वाचन करते हैं। बाइबल का वाचन करने के बाद में उनको हम डेली एक दो घंटा मतलब बाइबल वाचन के लिए समय देते हैं। तो हमारा परिवार बच्चों को बाइबल डेली वाचन करवाते हैं, और इसमें हम इनका पूरा सपोर्ट करते हैं। हारमोनियम पर मंत्र मुग्ध करने वाली धुनें निकालने वाले अपने पल्ली के कोयर में भी हारमोनियम बजाते हैं। संगीतकार बनने का सपना रखने वाले सौम्य, शालीन पर जिद्द के अस्त्र से सबको परास्त करने का इरादा लिए आ रहे हैं। स्वागत करिए आशीष का। हमने आशीष कथारिया का वीडियो प्रोफाइल देखा। अभी हमारे कंटेस्टेंट और हैं जिनका हम परिचय करना चाहते हैं। बताइए आप कहां से हैं? मैं थानला पेरिश से हूँ। धांधला पेरिश से आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता डामोर है। सविता डामोर, ओके। धांधला पेरिश से सविता डामोर। पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा मम्मी कृषि करते, दोनों कृषि करते हैं। ऑल राइट। छोटे भाई और बहन है? हाँ है मेरे। कितने हैं? दो मेरे से छोटे हैं और तीन मेरे से बड़े हैं, तीन भाई भी। अच्छा, आप उनको पिटाई करते हैं, मारते हैं? छोटे वालों को मैं डांटती हूँ जब गलती करते हैं, तो गलती करते तो डांटती है। अच्छा, समझाती हूँ फिर उनको। समझाती है, ओके। हाँ हाँ, हॉस्टल में रहती हो? पर यस, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। कौन से हॉस्टल में? स्नेह सदन कन्या छात्रावास आदिवासी। अच्छा, सविता बाइबल वॉरियर्स के लिए आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। सारी पढ़ाई कर ली है? जी। सारे कंटेस्टेंट्स में कंटेस्ट करने के लिए तैयार? जी बिल्कुल रेडी। जी यस, हमारे बीच सविता है। सविता के वीडियो प्रोफाइल देखने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सविता दामोर झाबुआ धर्म प्रांत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक चर्च थांदला की सदस्य, बाइबल वॉरियर्स की अगली योद्धा सविता। इनका परिवार ही नहीं, पूरे पल्ली को इन पर गर्व है, क्योंकि इनकी पल्ली से केवल ये ही हैं जो यहाँ इस कंपटीशन में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाई हैं। मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि यह हमारी बालिका इसमें अच्छा करके और परीक्षा में उत्तीर्ण हो करके हमारे पल्ली का नाम रोशन करेगी। स्नेह सदन कन्या छात्रावास में अपनी उच्च शिक्षा के लिए रह रही सविता अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय हैं। नाउ एज शी पार्टिसिपेट्स इन दिस बाइबल वॉरियर क्विज, we wish her all the best and may God bless Savita in all her activities, very especially in this quiz. Kala, khel, sahitya mein ruchi rakhne wali Savita aur aisa koi kshetra nahi jahan inhone apni pratibha ka loha na manwaya ho. Entrance test mein select hone ki khushi inke parivar ko bhi utni hi hai jitni ki inhein khud hai. कैथलिक डायसिस झाबुआ की प्रथम पल्ली, प्रथम पैरिश जिसे हम थानला पैरिश कहते हैं, वहाँ से सविता जिनका बाइबल वॉरियर्स कार्यक्रम में चयन हुआ है, वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थानला चर्च का प्रतिनिधित्व करते हुए जंग के इस मैदान में स्वागत करिए सविता का। हमने सविता
दामोर का वीडियो प्रोफाइल देखा। हमारे अगले कंटेस्टेंट, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? जी, नेहा मावी। नेहा मावी जी। ओके, नेहा आप कहाँ से हैं? जी, मैं उन्नई पेरिस से हूँ। उन्नई पेरिस, झाबुआ डायसिस। झाबुआ डायसिस, अच्छा। उन्नई पेरिस में कितने पेरिशनर्स होंगे जी? कितने फैमिलीज होंगे उन्नई पेरिस में? नहीं बता सकते। 100, 200, 300? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे, अच्छा, वेरी गुड। ओके, वहाँ के फादर लोग, सिस्टर लोग होंगे ना जी? ओके, आप क्या किस्म में मदद करते हैं या खुद पढ़ाई करती है? जी, पढ़ाई के साथ सिस्टर लोगों की मदद भी करती हूँ। मदद भी करती है। नेहा, आपके और क्या इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा? मेरी पढ़ाई में इतनी ज्यादा रुचि तो नहीं है। ओके, कम से कम एक ने तो बोल दिया कि पढ़ाई में रुचि नहीं है, फिर कौन से फील्ड में रुचि है? मेरे को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। और बिना पढ़ाई करते करते आप दूसरों की मदद करते हैं तो आगे क्या बनोगे आप? जी, मैं सोच रही थी कि मैं सिस्टर बनने जाऊं। तो फिर अभी तो गई नहीं हूँ 12th के बाद, फिर तो बिना पढ़ाई करके कैसे सिस्टर बनोगी? चलिए नेहा, आपके पास सोचने का वक्त है, ईश्वर की बुलाहट हम चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आप अच्छे से सिस्टर बने। आइए हम देखते हैं नेहा मावी की वीडियो प्रोफाइल, जो हमारे बाइबल वॉरियर्स के कंटेस्टेंट्स के रूम में है और झाबुआ डायसिस के है। नेहा मावी झाबुआ धर्म प्रांत के सेंट जोसेफ पल्ली की तेज तर्रार और वचन से लैस एक और वीर योद्धा। नेहा उन्नई गांव के साधारण कृषक परिवार से आने वाली ये युवा अपने माता पिता और शिक्षकों की चहेती है। नेहा मावी इज अ गुड स्टूडेंट, अ हॉस्टलाइट, टेक्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्कूल एज वेल एज इन द बोर्डिंग एंड द चर्च। शी इज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड वर्क्स हार्ड इन हर स्टडीज। वी विश हर ऑल द बेस्ट for the quiz that she's going to participate in Ishwani television. Kala aur khel ki competitions mein parcham phehrane wali 16 varsh ki chanchal aur pratibhashali Neha apni padhai ke sath bible padhne ke liye bhi utsahit rehti hain. Hum bahut khush hain hamare parivar ki or se ki Neha Mavi is pratiyogita mein bhag lene ja rahe hain, to hum hamare parivar ki or se bahut bahut badhai dete hain Neha ko। बाइबल वॉरियर्स उनके लिए एक मौका है जिसका वे बाइबल के अध्ययन के लिए उपयोग करना चाहती हैं। दूसरों की सहायता और सेवा में ईश्वर की सेवा करने की भावना रखने वाली ये युवा प्रतिभा की ताकत, विश्वास की ढाल से प्रश्नों की बौछार का सामना करने आ रही हैं। स्वागत करिए नेहा का। आइए, नेहा मावी का वीडियो प्रोफाइल हमने देखा, हम अभी हम स्वागत करते हैं नए अगले 4 कंटेस्टेंट्स का। दर्शकों, हमारे अगले 4 कंटेस्टेंट्स हमारे बीच खड़े हैं, हम इनका परिचय करना चाहते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं संत विंसेंट कैथेड्रल चर्च, संत विंसेंट कैथेड्रल चर्च से है, सतना से हूँ, और सतना से। सतना। ओके, आपका शुभ नाम? नीलिमा कुजूर। नीलिमा कुजूर जी, नीलिमा कुजूर आप क्या करते हैं? मैं बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। ओके, चर्च में आप काफी एक्टिव रहती है? हाँ। चर्च में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करती है? कोई भी प्रोग्राम होता है तो वॉलंटियर्स का कार्य करती हूँ, क्रिसमस ट्रिप बनाने में मदद करती हूँ। ओके, नीलिमा आप बाइबल वॉरियर्स के लिए अपने आप को तैयार है? यस यस। हमारे बीच नीलिमा कुजूर है, लेट्स हैव ए प्रोफाइल वीडियो ऑफ नीलिमा कुजूर। नीलिमा कुजूर छत्तीसगढ़ की मूल निवासी, जो वर्तमान में सतना सेंट विंसेंट कैथेड्रल की सदस्य हैं। कुमारी नीलिमा खुजूर सतना संत विंसेंट कैथेड्रल पारिश के सदस्य हैं। वह पढ़ाई करती हैं और साथ ही साथ हमारे कैथेड्रल पारिश के सभी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। भी उज्जैन में
जो बाइबल वॉरियर्स कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसमें भाग लेने के लिए जा रही हैं, तो हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बीएससी की छात्रा होने के साथ साथ पाक कला में रुचि रखने वाली नीलिमा ने पूर्व में कई क्विज प्रोग्राम में भाग लिया। पहली बार किसी टेलीविजन शो का हिस्सा होने के लिए उत्साहित और अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए आमंत्रित हैं नीलिमा कुजूर। हमने नीलिमा कुजूर का वीडियो प्रोफाइल देखा। हम अगले कंटेस्टेंट्स की ओर आते हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं? सार्थक पॉल। सार्थक पॉल। सार्थक पॉल, आप कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छे हैं? बहुत हैंडसम दिखते हो। थैंक यू। वेरी गुड। सार्थक, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? जी, टेंथ की स्टडीज। टेंथ की पढ़ाई करते हैं। आप कहाँ से हैं? सेंट जोसेफ चर्च नंदा नगर इंदौर। सेंट जोसेफ चर्च नंदा नगर इंदौर। ओके। पढ़ाई के साथ आप कुछ इंटरेस्ट भी रखते हैं? आप वो भी रखते हैं? यस जी। क्या है? गुड रीडिंग एंड बाइबल और चर्च में ज्यादा। गुड रीडिंग, बाइबल, चर्च में एक्टिव यानी स्पिरिचुअल है। Let's have a video profile of Sarthak Paul from Nandanagar, Indore. Sarthak Paul, Saint Joseph Nandanagar, Indore, Palli के सदस्य, Bible Warriors के सबसे युवा contestant. मुझे मेरे mentor Father Selwyn द्वारा phone आया कि आपको Bible Warriors quiz competition उज्जैन में आपको जाना है और आपको अपनी चल्ली और चर्च को represent करना है। मैं बहुत नर्वस था, मेरे दोस्तों से ही मेरी बात हुई और मेरे टीचर्स ने मुझे प्रोत्साहन किया कि आपको जाना है। हमारे पैरिश प्रीस्ट ने भी हमें कहा कि आपको वहाँ जाना है और आपको अपने पैरिश को रिप्रेजेंट करना है और अपना पूरा बेस्ट वहाँ देना है। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और अब जितना मुझसे कोशिश होगा मैं वहाँ पर अपना 100% दूंगा। दसवीं की पढ़ाई के साथ पढ़ने में रुचि रखने वाले 15 वर्ष के सार्थक पर उनके माता पिता को उनके एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई होने पर नाज है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस कॉम्पिटिशन में जो हिस्सा लेने जा रहा है और हमको अपेक्षा है कि जितनी भी तैयारी उसने अभी तक करी है उस पर वो सभी कॉम्पिटिशन में ये सभी जितने भी उसके जो राउंड्स होंगे उसमें वो अव्वल आएगा। उसने इस तैयारी को बहुत ही गहन तरीके से वो घर पर कर रहा है, मतलब स्टोरी के रूप में, रीडिंग्स के रूप में और अपने फ्रेंडों से, अपने जितने भी सीनियर्स लोग हैं सभी लोगों से पूछते हुए इसकी तैयारी को वो दिन रात कर रहा है और एक अच्छी मेहनत के साथ हमको लग रहा है कि हमारा सार्थक बेटा इस कंपटीशन को बहुत अच्छे लेवल और यहाँ तक कि हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट लेवल तक लेके आएगा। हमारे ये छोटे कंटेस्टेंट ना थकने वाले उत्साह और जोश के साथ आए हैं। जब हमें बाइबल वॉरियर्स ईशवानी से इन्विटेशन मिला तो हम काफ़ी खुश थे, लेकिन हम चिंतित थे कि हमारे पल्ली में से हम किसको भेजें। और जब हम सोच रहे थे तो हमने हमारे पल्ली पुरोहित से बात करी और पल्ली पुरोहित ने सार्थक का नाम हमारे सामने रखा, जो कि एक छोटे से बालक है और काफ़ी होनार है और काफ़ी बाइबल को पढ़ते हैं और अपने जीवन में वे उसको अपनाते हैं। तो हम बाइबल में जब देखते हैं कि किस प्रकार सार्थक अपने आप को इन्वॉल्व करता है और वह छोटा सा बालक है लेकिन उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, वो बाइबल को दिनों जान से और डेली बाइबल पढ़ता है और यही चीज़ हमारे पल्ली के लिए गौरव की बात है कि हमारे पल्ली में से सार्थक यहाँ पर आया है और बाइबल वॉरियर्स के अंदर भाग ले रहे हैं। तो हम सभी पल्ली वासियों की तरफ से सार्थक को बेस्ट ऑफ लक। हार ना मानने वाले जज्बे से अपना नाम सार्थक करने वाले, स्वागत करिए सार्थक का। हमने सार्थक पॉल के वीडियो और प्रोफाइल देखा। मूविंग ऑन टू अनदर कंटेस्टेंट। जी, आप अपना नाम बताएंगे? शैलेट सी सर्जन। शैलेट सी सर्जन, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती हैं। सब्जेक्ट कौन सा चुना है आपने? साइंस बायो। पढ़ाई कैसी है? अच्छा है। ओके, आप पढ़ाई एंजॉय करते हैं? हाँ। पढ़ाई एंजॉय करते, रीडिंग एंजॉय करते? हाँ। बाइबल भी पढ़ते होंगे? बाइबल भी पढ़ते। बाइबल वॉरियर्स के लिए तैयार है? हाँ। ओके, और क्या क्या खूबियां हैं आप में? मेरे में डांस करने की खूबियां हैं। डांस करती हैं? हाँ। ओके, यदि ईशवाणी के फ्लोर में आपको डांस करने का मौका मिला तो आप जरूर करेंगे? हाँ करेंगे।
Yes, Shalati is very happy and confident. Let's have a video profile of Shalati C. Sajan. शैलट सी साजन सागर धर्म प्रांत के मंडीदीप पल्ली की ही एक और जोश और उत्साह से भरी सदस्य शैलट। हमारे पैरिश प्रीस्ट ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा यहाँ पे उज्जैन में ईश्वाणी का ये क्विज कंपटीशन है, तो उस वजह से मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे बाइबल के बारे में जानने को ज़्यादा मिला मुझे, तो इसलिए मैं फुल प्रिपेयर थी घर से भी। कला और खेल दोनों में अपना परचम फहराने वाली, डांस का शौक रखने वाली शैलेट अपने भाई के कहने पर बाइबल वॉरियर्स में प्रतिभागिता कर रही हैं। मुझे मतलब भैया लोगों ने बताया कि दिन मतलब सुबह और रात को बैठ के भैया मुझे पढ़ाता था, इसके लिए इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता था, तो इसी वजह से मेरे को विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगी। डांस की कई प्रतियोगिताओं में कॉम्पिटिटर्स के हाथों से जीत हासिल करने वाली शैलेट वही आत्मविश्वास अब यहाँ भी लेकर आ रही है। जीतने की जिद और हौसलों की तलवार के साथ बाकी कॉम्पिटिटर्स के होश उड़ाने वाली बाइबल वॉरियर्स के मंच पर आ रही हैं। स्वागत कीजिए शैलेट का। हमने शैलेट का वीडियो प्रोफाइल देखा, हमारा अगला कंटेस्टेंट की ओर हम अग्रसर हैं। जी आप अपना नाम बताइए। सेलिना कुटिनो। सेलिना जरीना। सेरिना कुटिनो। ओके सेलिना कुटिनो, आप क्या करती हैं? मैं 11th क्लास अभी पढ़ रही हूँ, कॉमर्स में फील्ड है। कॉमर्स कर रही है, ओके। सुना है कि कॉमर्स में आजकल तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, आपको क्या लगता है? कुछ फील्ड्स में है और कुछ फील्ड्स में नहीं है। सो कुछ फील्ड्स में है कुछ फील्ड्स में, ऐसा कौन सा फील्ड्स में ज्यादा वैकेंसी है, जैसा कौन सा फील्ड है जो कम है? मोस्टली ज्यादा लोग जो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं वो ज्यादातर सीएस या सीए के लिए जाते हैं। ओके आप क्या करना चाहेंगे आगे? Well, मैं इवेंट मैनेजमेंट का प्लान कर रही हूँ। वेरी गुड, इवेंट मैनेजमेंट। ओके आजकल लीडिंग प्रोफेशन में एक है। ओके और और लेट्स सी, फर्स्ट आई एम प्लानिंग टू डू बीबीए देन एमबीए देन सी की वेटिंग। वेरी गुड, यू हैव अ वेरी गुड एस्पिरेशन अबाउट योरसेल्फ, राइट? थैंक यू। यस जरीना कुटिनो हमारे बीच उपस्थित हैं। लेट्स हैव अ वीडियो प्रोफाइल ऑफ जरीना कुटिनो। सरीना कुटिनो सेंट जोसेफ नंदनगर इंदौर पल्ली की सदस्य, हमारी रणभूमि की अगली सिपाही सरीना, 11th की छात्रा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा सरीना बाइबल वॉरियर्स के लिए चुनी गई है। आज विशेषकर इस मौके पर मैं फादर सेल्विन का आभार प्रकट करती हूँ जिनके निर्देशन में उन्होंने सरीना को चुना व विश्वास जताया कि वह इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकती हैं, वह जीत भी सकती हैं। साथ ही साथ मैं उनकी कैटेगरिज्म टीचर शोभा कुमरावत आंटी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी प्रोत्साहन से वह इस तरह आगे बढ़ी, वह रोज बाइबल पाठ का वाचन करती हैं। बैडमिंटन प्लेयर सरीना ने असिस्टेंट पल्ली पुरोहित फादर सेल्विन के कहने पर बाइबल वॉरियर्स के एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिया। सरीना का जब नाम आया तो वो एक 11वीं की छात्रा है और वो काफ़ी बिजी है, लेकिन जब उनसे हमने बात करी कि आपको बाइबल वॉरियर्स के लिए हम मौका दे रहे हैं, आप हमारी पल्ली को रिप्रेजेंट करें, तो हमने उनकी मम्मी से भी बात करा और उनकी मम्मी काफ़ी खुश थी और सरीना भी बहुत खुश थी और उनको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम सरीना को हमारी पल्ली की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उनको कहते हैं कि आप आगे बढ़िए और जीवन में प्रभु यीशु के वचनों को अपनाते हुए दूसरों को प्रभु यीशु के पास लाएं। पढ़ाई में होशियार, खेल में दमदार, अपने आदरणीय फादर सेल्विन के अपेक्षाओं पर खरा उतरने, बाइबल वॉरियर्स में जीत हासिल करना चाहती हैं। और सरीना कुटिनो सभी बच्चों के जो भी गतिविधियां हैं उसमें भाग लेती है, एक धार्मिक लड़की है मैं बोल सकता हूँ। सरीना कुटिनो लगभग सभी कार्यों में भाग लेते हुए एक प्रकार लीडरशिप क्वालिटी मैंने देखा, दूसरों को बताते हुए आगे विश्वास में जीती है और पढ़ाई में भी लगन से पढ़ती है और साथ में बाइबल के जो विचार है उसे एक दूसरे के साथ बांटती है। कम उम्र में वचन को हृदय में लेने के मौके को
जीतने के इरादे के साथ उपयोग करने आ रही हैं। स्वागत करिए सरीना का। हमने बाइबल वॉरियर्स के सारे कंटेस्टेंट्स का परिचय किया। इस प्रकार हमारे सारे कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन यहां संपन्न है एंड वी आर एंटरिंग इन द रियल शो ऑफ बाइबल वॉरियर्स एंड द बाइबल वॉरियर्स का फर्स्ट राउंड द क्वेश्चन चैलेंज। मैं आप सभी को विश करता हूं, बता ही देता हूं कि आगे आप रियल कॉम्पिटिशन में उतरे। ऑल ऑफ यू हैव बेस्ट ऑफ लक। आप कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ऐसे ही आपने ऑप्शन ले लिया? कॉन्फिडेंस के साथ। आंसर सी। पहले ग्रुप ने बोला इसलिए तो आप बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कि गलत? सही है। सही। रो रो के बोलते यार, सही है। गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। टीम टी का जवाब है 3 दिन बाद। द आंसर इज For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.